श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। नवरात्रे चल रहे हैं, आज अष्टमी तिथि हो गई, माँ गौरी की पूजन हम सब ने की। कल नवमी तिथि हो जाएगी, नवरात्रे का समापन दिवस। हमने माँ के नौ स्वरूपों की, विविध स्वरूपों की बहुत ही कामनाएं लेकर पूजन करी, मन में इच्छाएं लेकर पूजन करी। हम सबकी क्या मालूम कौन कौन सी मनोकामनाएं होंगी जो हमने मन में रखकर माँ से विनती कर और हमने माँ को सजाया, संवारा, भोग लगाया, पूजन करी, आरती करी। और माँ ये अवश्य है कि माँ हमारी सुनेगी भी, हमें विश्वास लेके बैठे हैं तो ज़रूर हमारी माँ सुनेगी। लेकिन हम यदि इसके साथ छोटे छोटे से उपाय करते हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो करते हैं, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप इसके लिए एक कमलगट्टा ले लें। कमलगट्टा किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। यदि आपके यहाँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है या फोटो है, तस्वीर है, तो आप उनके चरणों में, यदि नहीं भी है तो आप दुर्गा माँ या जो भी माँ की प्रतिमा है, माँ सब एक जैसी होती हैं। माँ स्वरूप कह सकते हैं अलग अलग हैं, लेकिन माँ एक ही होती है। तो आप माँ के चरणों में वह कमलगट्टा किसी भी लाल रुमाल में, रुमाल कोरा होना चाहिए, लाल या पीला भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि लाल कलर का रुमाल ही होना चाहिए। आप लाल या पीला, जौन सा भी शुभ कलर हो, उस कपड़े में एक कमलगट्टा रख लें और फिर माँ के समक्ष एक दीपक, घी का दीपक लगाएं। रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। आप घी का दीपक लगाएं, उसमें दो लौंग फूल वाली, जिस लौंग में फूल हो, बिना फूल वाली लौंग को अखंडित कहा जाता है, इसलिए खंडित लौंग नहीं होना चाहिए। दो फूल वाली लौंग लेके और उस दीपक में, जलते दीपक में रख दें और थोड़ा सा कपूर रख दें। कपूर इसलिए रखें कि वह लौंग पूरी तरीके से भस्म हो जाए। आप यह करें थोड़ी देर में और वहाँ बैठकर महालक्ष्मी के जाप कर लें। बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं, जितने आप कर सकते हैं, जितनी देर वह लौंग पूरी जल जाए उतनी देर आप जाप कर लें। और उसके बाद वह रुमाल रात भर वहीं रखा रहने दें। सुबह वो उठ के स्नान के बाद वह रुमाल को में कमलगट्टे को बांध लें और बांधने के बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लें। आप देखना, कम से कम यह साल तो आपको लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आप यह उपाय अवश्य करें। आप पर, आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपको अष्टमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।